शहर में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं की आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 338 करोड़ की अमृत योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि आज शिमला में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। आज हमारी एक एमसी में मीटिंग थी, जिसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो कि एमसी इंप्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि अमृत वन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल और स्वच्छ भारत मिशन, इसका हम रिव्यू कर रहे थे। और इसमें जो जैसे अमृत वन के मैक्सिमम वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर की वाटर एंड सेप्टेज से रिलेटेड जो ज़्यादा था फाइनेंसेस उसी में गए हैं, और उसके अंदर एक दो एसटीपीज को छोड़ के बाकी कार्य कर लिया गया है। अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज थे, जिसमें कि एमसी ने पार्किंग्स कई जगह बना ली हैं और पार्क्स भी बनाए हैं और पेडेस्ट्रियन पाथ और पाथवेज भी काफ़ी बनाए हैं, जो आपको शहर में दिख भी रहे होंगे। हमने कई जगह जो अभी पार्क है, ओकओवर पार्क 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये बनाया, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अब भी उसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। तो ये तो एक बड़ा पार्क था जो हमने शिमला शहर में अमृत के तहत बनाया है। इसी तरह छोटे छोटे पार्क्स भी हर वार्ड में कई जगह बनाए हैं, और वहाँ पे ओपन एयर जिम के इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाए गए हैं। इसी तरह हमने 33 किलोमीटर के आसपास पाथ्स बनाए हैं कुछ, और पेडेस्ट्रियन पाथ्स भी बनाए हैं। फुट ओवर ब्रिजेज इसमें कई जगह हमने बना दिए हैं, और जो जिनका संचालन भी स्टार्ट हो गया है, और एक दो फुट ओवर ब्रिजेज जैसे कि संजौली चौक का जो मेन फुट। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।